हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के लाइव मौसम अपडेट के बारे में कि वर्तमान में राजस्थान के किन जिलों में बारिश की दुनिया जारी है और आज रात राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की दुनिया बढ़ने वाली है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं और आपके जिले का कैसा रहा मौसम। ये संपूर्ण जानकारी आपको आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हम आपका पूर्वानुमान और अवलोकन सही एवं सटीकता से कर सकें। तो दोस्तों आइए सर्वप्रथम बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो वर्तमान में एक सर्कुलेशन झांसी के बिल्कुल उत्तर में बना हुआ है। वर्तमान में इस सिस्टम को पर्याप्त मात्रा में नमी न मिलने के कारण ये हल्का कमजोर होते हुए नजर आ रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो पूर्वी जयधारा का क्षेत्र देखें तो वर्तमान राजस्थान के बिल्कुल मध्य भागों से गुजरा है, जिस कारण से जैसे ही बादल की ऊंचाई 10,000 मीटर के आसपास जाती है तो पूर्वी जयधारा के संपर्क में आने से बहुत तेज गति से पूर्वी और उत्तर दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, जिस कारण से वर्तमान देखा जाए तो कोटा संभाग के आसपास बने बादल कुछ ही घंटों के अंदर जोधपुर संभाग को भी पार कर जाते हैं। क्योंकि पूर्वी जयधारा की गति देखा जाए तो 120 किलोमीटर के आसपास वर्तमान में इसकी गति के कारण जैसे ही बादल 10,000 मीटर के आसपास पहुँचता है तो उसको अपने संपर्क में आते हुए जैसे ही पूर्वी जयधारा के संपर्क में आता है तो बहुत तेज गति से आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में बारिश की गतियों की बात करें तो बारिश की गतियाँ विशेषतः उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में कुछ ही समय के अंदर आपको बढ़ती हुई नजर आई है। विशेषतः देखा जाए तो श्री गंगानगर के कई इलाकों में, जयपुर से लगाकर कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर संपूर्ण क्षेत्र में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ कुछ ही घंटों के अंदर आपको बढ़ती हुई नजर आई है। बारिश की गतियों की बात करें तो वर्तमान में देखा जाए तो सूरतगढ़ से लगाकर गंगानगर के कई इलाकों तक मध्यम से तेज बारिश की गतियाँ जारी हैं। ट्रफ की बात करें तो वर्तमान में खाजुआला से लगाकर बीकानेर अजमेर से होते हुए कोटा संभाग से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर बनी हुई हैं, जिस कारण से बारिश की गतियाँ देखा जाए फलोदी के आसपास भी कहीं की हल्की बारिश की गतियाँ आज सुबह के बाद से इन क्षेत्रों में देखने को मिली है। हो सकता है कहीं कहीं खंड बारिश की गतियाँ, परंतु इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बादलों की गतियों के साथ हल्की बारिश की गतियाँ जरूर देखने को मिली हैं। बीकानेर के आसपास देखा जाए तो संपूर्ण क्षेत्र में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ कई इलाकों में भी देखने को मिली हैं। बीकानेर शहर से लगाकर रणजीतपुरा, नोखा, खिंदासर, सुरजा, साड़ी, फलोदी तक देखा जाए संपूर्ण क्षेत्र में वर्तमान में काफी घने बादल बने हुए हैं। खाजुले के आसपास वर्तमान में कई इलाकों में बारिश की गतियां जारी हैं। लोनकन सर से देखा जाए तो महाजन के आसपास से लगाकर, राजियासर से लगाकर विजयनगर, सूरतगढ़, पुलीबंगा और रायसिंह नगर, पदमपुर तक देखा जाए तो संपूर्ण क्षेत्र में काफ़ी घने बादलों के साथ वर्तमान में पल्लू के आसपास बारिश की गतियाँ जारी हैं। बाकी देखा जाए नौर, भद्रा से लगाकर राजगढ़, तारानगर, सुरू, इन संपूर्ण क्षेत्र में वर्तमान में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल रहा है और आज रात इन क्षेत्र में कहीं कहीं खंड बारिश की गतियाँ होने की संभावना है। झुंझुनू, खेतरी, नारनौल से लगाकर पिलानी तक देखा जाए तो इन क्षेत्र में वर्तमान में बादल बने हुए हैं और नवलगढ़ से लगाकर इन संपूर्ण क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश की गतियां वर्तमान में कई इलाकों में जारी हैं। नीमका थाना, कोटपोतली, बहरोड से लगाकर तिजारा, अलवर के आसपास से लगाकर विराटनगर, तहला, सोमू के आसपास भी वर्तमान में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और कहीं की विराटनगर के आसपास भी बारिश की गतियाँ देखने को मिल रही हैं। बांदीकुई, महुआ, लक्ष्मणगढ़, नंदबई से लगाकर बयाना के आसपास भी वर्तमान में बादल बने हुए हैं। दोसा से लगाकर लासूट के मध्य संपूर्ण क्षेत्र में कहीं की मध्यम से तेज बारिश की गतियाँ देखने को मिल रही हैं। साक्षू से लगाकर फागी, बगरू, दुदू, सांबर तक देखा जाए क्षेत्र वर्तमान में कहीं की खंड बारिश के बादल बने हुए हैं और कहीं की बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। मालपुरा, किशनगढ़ से लगाकर पर्वतसर, डेगाना, मकराना के आसपास से लगाकर जायल, कुसरा के मध्य कहीं की हल्के बादल बने हुए हैं और कहीं की हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही हैं। वर्तमान में मेड़ता सिटी के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में कहीं की हल्के बादल बने हुए हैं और कहीं की खंड बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। ब्यावर से लगाकर गुलाबपुरा, नसीराबाद के आसपास वर्तमान में बादल बने हुए हैं और कहीं की खंड बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में भी जारी हैं। सोजत से लगाकर वर्तमान में देखा जाए तो पाली तक मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल रहा है। कहीं की मारवाड़ से लगाकर टोटगढ़, देवगढ़, मनियारी, जयपुर के आसपास वर्तमान में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और कहीं की मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। बालोतरा से लगाकर समुद्री, मुकलसर के आसपास भी वर्तमान में ऊंचाई वाले बादल बने हुए हैं और मुकलसर से लगाकर जयपुर के मध्य कहीं की बारिश की गतियां वर्तमान में आपको देखने को मिल रही हैं। बाकी देखा जाए पादरू के आसपास वर्तमान में इन क्षेत्र में बादल बने हुए हैं और कोई विशेष बारिश की गतियां इन क्षेत्र में वर्तमान में देखने को नहीं मिल रही हैं। जालौर, बागोड़ से लगाकर तखतगढ़, सुमेरपुर के आसपास वर्तमान में काफ़ी तेज बादलों के साथ हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही हैं। रानी, बाली, सादरी से लगाकर शायरा, सिरोही, नैना के आसपास वर्तमान में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और कहीं की तेज बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। सांसौर के आसपास देखा जाए सांसौर, रानीवाड़ा, जसंतपुरा के आसपास हल्की खंड बारिश की गतियां संभावित हैं। हो सकता है एक दो इलाकों में तेज बारिश
की गतियां भी देखने को मिल जाए, परंतु इन क्षेत्रों में काफी ऊंचाई वाले बादल बने हुए हैं, क्योंकि जैसे ही बादल का अवशेष बनता है तो पूर्वी जटधारा के साथ संपर्क में आने से वो बहुत तेज गति से पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ जाते हैं, जिस कारण से इन क्षेत्रों में बादलों का निर्माण बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब रोड अंबाजी से लगकर झाड़ोल गोगुंदा उदयपुर सायरा से लगकर राजमंद फतेहनगर संपूर्ण क्षेत्र में आज रात बारिश की गतियां होने की संभावना है। हो सकता है कुछ इलाकों में मूसलाधार, कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। भीलवाड़ा से लगाकर गंगपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर निम्बाहेड़ा बिंदेर छोटी सादड़ी से लगाकर सोलंबर दरियाबाद प्रतापगढ़ से लगाकर बांसवाड़ा तक देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी काफी खंड बारिश के बादल बने हुए और कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। रामपुरा गंगासागर सर्टी कॉलोनी से लगाकर फानी मंडी झालावाड़ के आसपास वर्तमान में इन क्षेत्रों में भी काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और वर्तमान में देखा जाए तो कोटा संभाग के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। विशेषतः देखा जाए तो राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों में आज मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। बालोतरा से लगाकर वायड पाली रानी के मध्य संपूर्ण क्षेत्र में आज मध्यम से तेज बारिश की गतियां होने की संभावना है। हो सकता है आज रात इन क्षेत्रों में बारिश की गतियां देखने को मिल जाए। सिरोही राजसमंद से लगाकर रानी देवगढ़ के आसपास वर्तमान में इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। जालौर से लगाकर सिरोही के मध्य कई क्षेत्रों में भी आज मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियां आज रात संभावित है। रानी राजसमंद से लगाकर उदयपुर के मध्य संपूर्ण क्षेत्र में वर्तमान में इन क्षेत्रों में बारिश वाले बादल बने हुए हैं। बाकी बालोतरा के आसपास देखा जाए श्रीनगर से बाड़मेर तक बने बादलों से कोई बारिश की गतियां देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बादलों के अवशेष जो है पूर्वी जटधारा के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी बात करें धुरिमना सासों से लगाकर भीमाल के मध्य इन क्षेत्रों में भी कहीं की हल्की बारिश की गतियां हो सकती हैं, परंतु ऊंचाई वाले बादल में उन क्षेत्रों से कोई बादलों से कोई विशेष बूंदाबांदी जैसी गतियां देखने को मिल सकती हैं, परंतु सासों के आसपास कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतियां भी हो सकती हैं। फलौदी के आसपास बने बादलों से कोई विशेष बारिश की गतियां देखने को नहीं मिलेगी।